लगातार कई समय से तूल पकड़ा हुआ है, जिसके चलते शनिवार को 75 लाख रुपए की भूमि पूजन कार्यक्रम में भाजपा के ही पार्षदों के हंगामे चलते रहे। कार्यक्रम स्थल के पास ही सांसद गजेंद्र पटेल के काफिले को रुकवाकर विरोध जताया गया, नाराजगी जताई। सांसद बोले, सभी पार्षदों के वार्डों में कार्य होंगे। पानसेमल में आज मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना अंतर्गत 75 लाख के भूमि पूजन कार्यक्रम में भाजपा पार्षदों ने भूमि पूजन में आए सांसद गजेंद्र सिंह पटेल को रोककर विरोध दर्ज कराया। पार्षदों का कहना है, इतने बड़े कार्यक्रम की सूचना रात में देरी से मिली और वहीं उनके वार्डो में विकास कार्य कई सालों से अटके हैं और दूसरे कई वार्डो में कार्य किए जा रहे हैं। नगर पंचायत भेदभाव कर रही है, लोग जो कि भाजपा के ही वोटर हैं वो नाराजगी जता रहे हैं। जहां ज्यादा जरूरत है वहां विकास कार्य नहीं किए जा रहे, इस दौरान हंगामे की स्थिति बनी। भाजपा पार्षद गुस्से में नजर आए और सांसद के सामने ही सीएमओ को भी विरोध जताया। वहीं सांसद गजेंद्र पटेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सभी 15 वार्डों में विकास कार्य होंगे, किसी वार्ड में पहले किसी वार्ड में बाद में होगा, लेकिन सभी वार्ड में कार्य जरूर होगा। कलेक्टर को प्रस्ताव बनाकर भेजे गए हैं, जिसकी सूची मैंने खुद भी देखी है। खैर, पार्षदों द्वारा जाहिर किए गए गुस्से से ये तो स्पष्ट हो गया है कि पानसेमल नगर परिषद में भाजपा के ही पार्षद अपनी परिषद से कितने नाराज हैं। समय समय पर उनके द्वारा किए जा रहे विरोध ये भी दिखाते हैं कि स्थिति यहाँ पर संभलने का नाम नहीं ले रही। ये जरूर है कि किसी का काम पहले हो जाता है, किसी की स्वीकृति बाद में होती है, परंतु हर वार्ड में विकास की गाथा को लिखा जाएगा। कहीं कहीं थोड़ी बहुत पार्षदों से बातचीत करके उनकी जो नाराजगी उसके काम विकास की गाथा सर, पहले भी नाराजगी में उन्होंने इस्तीफा दिया है क्योंकि वो तब भी कार्य नहीं हुए थे उनके और अभी भी उनका वही रवैया था। मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है, मेरे पास विषय आज आए हैं, परंतु फिर मैंने आज सीएमओ से जब सूची बुलवाई गई तो उसमें 1 नंबर से लेकर 15 नंबर के सभी वार्डों में कामों के प्रस्ताव गए हैं, जिसमें से कुछ कामों की स्वीकृति 75 लाख के कामों की स्वीकृति भी हुई है और 80 लाख के कामों की स्वीकृति का प्रस्ताव कलेक्टर के पास में प्रस्तावित है। निश्चित तौर पर सभी वार्ड पार्षदों की स्वीकृति होगी।